राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद पुलिस ने भोपाल इंदौर में नकाबजनी करने वाले 5 सदस्यीय शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर लगभग 16 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है, जिसके खुलासे के संबंध में एडिशनल एसपी सचिन अतुलकर ने कमिश्नर कार्यालय में मीडिया को जानकारी दी। अभियान के रूप में कार्रवाई की जाए और जो चोरियां हुई हैं उसको बरामद किए जाए। पिछले सप्ताह भी जोन 4 में भी काफ़ी बड़े गैंग पकड़े गए थे, जिसमें 10 चोरियां बरामद हुई थी। एक अभी जो गैंग पकड़ा गया है जोन 3 में, इसमें भी काफ़ी शातिर ये गैंग है और इसने 4 चोरियां, जो बड़ी चोरियां हुई थी उसका खुलासा किया है। वर्तमान में भी आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसमें जो इसमें घटनाएं हुई थी उसमें जो अपराध पूर्व से दर्ज हैं उसमें जो मशरूका गया था वो भी पुलिस ने जब्त किया है और उसकी काफ़ी मात्रा 16 लाख लगभग वैल्यू है। मुख्यतः इसमें जेवरात ज्वेलरी चोरी गई थी, जिसको जो इसमें नकबजन हैं वो जितने भी गोल्ड फिनेंस वाली कंपनीज हैं उसमें रख देते थे और उसके एवज में जो भी राशि थी वो लेते थे। साथ ही जो इसका मुख्य आरोपी है उसके विरुद्ध पूर्व से भी कुछ अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें उसको पकड़ा भी गया। जो प्रकरण है कोयफिजा और शाहजहानाबाद थाना क्षेत्रों के हैं। इसमें कोयफिजा थाने द्वारा आरोपी को पकड़ के पूछताछ की गई और पूछताछ में जो भी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, शाहजहानाबाद पुलिस के साथ में मिलकर सभी ने टीम के रूप में कार्य करके मशरूका भी बरामद किया है, जहां पे अन्य क्षेत्रों में इन लोगों ने मशरूका विक्रय किया था। इसमें 3 मुख्य आरोपी हैं जो गैंग के रूप में कार्य करते हैं।